गुड्डू आवा यार मीडिया वालों को आ गए यार हां इनका भैया थोड़ा सा पीछे हट जाओ ए लो लो ए ये भैया हां ठीक अन्नू भाई कहां है अन्नू भाई पीछे हमारे प्रदेश को शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश की महान जनता खास तौर से मेरी शुभकामनाएं इस उत्तर प्रदेश की तरक्की हो समृद्धि हो योगी आदित्यनाथ जी के समग्र नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास के चरम बिंदु को छुए पूरे भारतवर्ष का सिरमौर विकास और औद्योगिक उन्नत के मामले में बने यहाँ के लोगों की आमदनी दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़े और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जो होली का संदेश है आपस में प्रेम व्यवहार सद्भाव समन्वय उनके साथ काम करें परंपरा तो हमारे चौक की परंपरा सबसे पहले महाराज लखना पासी के समय से चौक में होली का परंपरागत जरूर निकलता है होली के अवसर पर परंपरागत लोग जो यहाँ पर आकर मिलते हैं वो परंपरा माननीय लालजी टंडन जी के नेतृत्व में कायम रही है लालजी टंडन अब का ऐतिहासिक स्थल है ये उत्तर प्रदेश की हृदय स्थली है जहाँ से अमृत लाल लागर जी माननीय लालजी टंडन और तमाम बड़े बड़े लोगों ने पूरे शहर के लोगों का एक मजमा यहाँ पर इकट्ठा होता था और मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर यहाँ पर होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते रहे हैं। आगे जो रास्ता है वहाँ पर रास्ते पर नखास से लेकर और अकबरी गेट तक कई जगह हमारे मुस्लिम संप्रदाय के बंधु जगह जगह रास्ते में स्वागत करते रहे हैं हमारे जुलूस का। ये जुलूस कई कई सालों से चाहे वह सैकड़ों सालों से इस चौक के जगह स्थली पर निकलता रहा। जय श्री राम। पहली बार है जो हम लोग माननीय टंडन जी के बगैर यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम सब ने उनका स्मरण किया है और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसे किया है कोविड-19 से बचाव के हम सारे उपाय करें इसलिए आपके बीच में अफवाहना पड़ा और आपसे आज इसलिए गले नहीं मिल पा रहा हूँ कि मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग गले आज हाथ जोड़कर ही दूर से आपका अभिवादन करके सब लोग एक दूसरे को करें। कोरोना का संक्रमण का मुकाबला हम सबको करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए पूरे प्रदेश से अपील करी है, इसलिए आपके होली द्वारा लोगों के बीच होलियारों के बीच में मैं आया हूँ कि हम होली भी मनाएंगे। रवे प्रतीकात्मक टीका जो है आप लोग आपस में लगा रहे लेकिन बहुत ज्यादा होली का वो नहीं करना है यहाँ पर कि हम कोरोना के को बढ़ावा दें इससे हमें बचने की जरूरत है। होली एक ऐसा सब ऐसा त्यौहार है जो आपस में मतभेदों को भुलाता है। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनका नाश हो, आसुरी प्रवृत्तियां जो गलत जो हमारी धारणाएं हैं वो समाप्त हो, हमें सकारात्मक सोच एक दूसरे को काम करने की प्रवृत्ति हमके जागृत हो, हमारा उत्तर प्रदेश उन्नति के रास्ते पर चले, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनते हुए पूरे देश का सिरमौर बने यही हमारे होली के उत्सव की आज पूरी गूंज है। चौक के सारे लोगों को आज ये बड़ा अजीब भी लग रहा था कि हम सब लोग गले मिलते थे और आते थे, आज मैं स्वयं अपील कर रहा हूँ कि ये कोरोना का संक्रमण है, गले लगने से आपका इसका प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप में होली भी मनाएंगे और प्रतीकात्मक रूप में अपनी खुशी को भी जाहिर करेंगे और अपने की संरक्षणा भी करेंगे कि पूरे प्रदेश में खुशहाली आए इसकी भगवान से कामना करता हूँ और इस स्थान को एक परंपरा हमारी प्रकृति जो सैकड़ों साल से चली आ रही परंपरा है, कई सौ सालों से यहाँ पर एक परंपरा बनी हुई है, वो परंपरा यहाँ पर इकट्ठा होने की और होली मनाने की न टूटे इसलिए हम सब आए हैं। मैं बुलाऊंगा कि पूरा न मानो आप सोच तो बोला होली है होली है।
कल्याण हो, आपकी जनता का कल्याण हो, आपस में सद्भाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बराज से हमारे जो प्रतिनिधि आए हैं डॉक्टर को एक पुष्प देना चाहते हैं। नीति गौड़ जी, आशीष अग्रवाल जी, विष्णु त्रिपाठी जी और सुनील शुक्ला जी।